बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ग्रेड 3 लेक्चर नंबर 8 मैथ्स यूनिट नंबर 3 एंड आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट ओपन योर बुक पेज नंबर 51। आज जो है स्टूडेंट्स वो हमने लर्निंग करनी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस में और ये किस तरह से हेल्पफुल होती हैं हमारे सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स फर्स्ट आप लोगों के पास गिवन है हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर। अब हमने नंबर ऑफ़ एप्पल्स फाइंड करने हैं कि हमारे पास कितने हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये आपके पास एक ग्रुप जो है वो एप्पल्स का वो कम्प्लीट हो गया, उसके अंदर 4 एप्पल्स हैं हमारे पास। सेकेंड ग्रुप में 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड ग्रुप में भी आपके पास 4 एप्पल्स गिवन है। थर्ड ग्रुप में आपके पास 1, 2, 3 एंड 4। जो 3 ग्रुप ऑफ एप्पल है वो उसमें भी आपके पास 4 नंबर ऑफ एप्पल्स हैं आपके पास। स्टूडेंट्स अब आप देखिए आपके पास 3 ग्रुप्स शो हो रहे हैं जिसके अंदर हर एक ग्रुप के अंदर 4 एप्पल्स जो हैं वो आपको शो हो रहे हैं। स्टूडेंट्स अब नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने आपके पास, वो 3 हैं और हर एक ग्रुप में कितने एप्पल्स हैं, वो हैं 4। 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 12 एप्पल्स। टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स कितने आपके पास, 12। 3 ग्रुप्स से एप्पल्स के हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाया है क्योंकि हमारे पास हर एक ग्रुप के अंदर 4 एप्पल्स गिवन है, तो हम उनको मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास आंसर आएगा 12। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, 12। देन स्टूडेंट्स अब हमारे पास है हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर नाउ। अब इसमें कितने एप्पल्स हमने फाइंड करना है कि इसमें कितने एप्पल्स हैं। फर्स्ट ग्रुप में 1, 2 एंड 3। फर्स्ट ग्रुप जो है हमारे पास उसके अंदर 3 एप्पल्स हैं। सेकंड ग्रुप के अंदर भी हमारे पास स्टूडेंट्स वो 3 एप्पल्स गिवन है। जो हमारे पास थर्ड ग्रुप में है उसमें भी हमारे पास 4 एप्पल ही गिवन है। जो हमारे पास इसका 4 ग्रुप है उसके अंदर भी हमारे पास 3 एप्पल्स ही गिवन है। अब देखिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने एप्पल्स के, वो हमारे पास 4 हैं और हर एक ग्रुप के अंदर हमारे पास जो है वो 3 एप्पल गिवन हैं। अब हम 4 ग्रुप्स ऑफ 3 एप्पल्स मीन्स के 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आता है 12। स्टूडेंट्स अब आप जो है वो इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि हमने जो है वो ऑर्डर चेंज किया है। ऑर्डर मीन्स के पहले हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाया था 4 से और अब हमने 4 को मल्टीप्लाई करवाया 3 से, तो हमारे पास आंसर दोनों का 12 ही शो हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ़ यू चेंज द ऑर्डर इन विच यू मल्टीप्लाई दैम। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स अब ये है हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कि हम जो हैं स्टूडेंट्स वो इसका ऑर्डर चेंज करके भी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाएँ तो हमारे पास जो आंसर है वो चेंज नहीं होगा, हमारे पास आंसर जो है वो सेम ही होगा। अब हमने देखिए 3 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे 4 से मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास 12 आंसर आया। इसी तरह से हमने 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 12 आंसर आया, मीन्स कि हमने ऑर्डर को चेंज किया, पहले 3 ऐड किया देन 4 ऐड किया, तो हमारे पास जो आंसर है वो सेम ही है। दिस मीन्स दैट नो मैटर हाउ यू ग्रुप इट द स्टूडेंट्स। अब आप इसका जो है वो ग्रुप्स देखिए कि फर्स्ट वाले में जो था वो हमारे पास 3 ग्रुप्स है लेकिन हर एक ग्रुप में हमारे पास 4 एप्पल्स हैं। इसी तरह जब हमारे पास 4 जो है वो ग्रुप्स हैं लेकिन हर एक जो एप्पल है ग्रुप है उसके अंदर 3 एप्पल्स के बना, हमने इस तरह से इसकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो परफॉर्म करवानी है। देन स्टूडेंट्स अब आप लोग देखिए कि 3 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया, ऑर्डर चेंज किया कि 3 पहले राइट किया था देन सेकंड पे 3 राइट कर लिया, सेकंड पे 4 था तो फर्स्ट पे 4 राइट कर लिया, तो हमारे पास आंसर जो है वो 12 ही आएगा। देन स्टूडेंट ओपन योर बुक पेज नंबर 52 मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़। अब आपके पास एक और एग्जाम्पल गिवन है हाउ मैनी वॉचेज आर देयर, 1, 2, 3 एंड 4। आपके पास एक ही ग्रुप है वॉचेस और उसके अंदर कितनी वॉचेस हैं, 4। अब आप देखिए स्टूडेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ द नंबर इट्सेल्फ। इट्स मीन के जो आपके पास ग्रुप है वो वॉचेस का एक है और नंबर ऑफ वॉचेस कितनी है उस ग्रुप में, वो हैं 4। अब आप 1 जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएं या 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास जो आंसर है वो इट्सेल्फ वही नंबर शो होता है इस तरह से।
ये प्रॉपर्टी आपके लिए इस तरह से हेल्पफुल होगी कि आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो इटसेल्फ वही नंबर शो होगा। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ वॉचेस 4 हैं। द स्टूडेंट इसी पेज पे आप लोगों को एक और एग्जांपल गिवन है, जिम्बो हैज़ 0 जेली कप्स, हाउ मेनी जेली कप्स विल ही हैव इफ ही मल्टीप्लाई 0 बाय 2। स्टूडेंट्स अब जो जिम्बो है उसके पास कोई भी ज़ीरो है, कोई भी जो जेली का कप है वो उसके पास नहीं है, 0 नंबर ऑफ जेलीज कप है उसके पास। देन अब 0 को जो है वो हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है, 0। जिम्बो विल हैव 0 जेलीज। इट्स मीन के स्टूडेंट जब भी हम किसी नंबर को जो है वो 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे या 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 ही शो होगा। उसके पास टोटल नंबर ऑफ जो जेलीज हैं वो 0 हैं, उसके पास कोई भी जो जेली कप है वो नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। इट्स मीन कि हम किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। देन स्टूडेंट्स इसी पेज पे आपके पास एक और एग्जांपल गिवन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आपके पास 3 नंबर्स हैं, अब आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब आप देखिए इसका मेथड क्या है फाइंड करने का, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इट्स मीन कि आपने जो 3 नंबर्स हैं उनको एक दफ़ा ही मल्टीप्लाई नहीं करवाना, आपने उसकी ग्रुपिंग कर लेनी। इस तरह से हमने लास्ट 2 पर ब्रैकेट शो किया है कि हम लास्ट 2 को जो है वो फर्स्ट पर मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरह से 8 उसका आंसर आया, 4 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया वो 8 आंसर आ गया, देन हमने 3 से उसको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट 24। इसी तरह से विल आई गेट द सेम आंसर इफ आई ग्रुप दी नंबर डिफरेंटली। स्टूडेंट्स अब आप देखिए, आप अगर इसको आप डिफरेंटली ग्रुपिंग भी कर लें इसकी, इस तरह से कि आप सबसे पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई करवा लें, उसका आंसर आपके पास 12 शो होगा, देन आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास स्टूडेंट्स जो आंसर है वो 24 शो होगा। आप इसी ग्रुपिंग को चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, इसका आंसर जो है वो आप आंसर में कोई भी फैक्ट जो है वो नहीं होगा, इसकी ग्रुपिंग चेंज करके भी अगर आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो। देन स्टूडेंट इसी पेज पे आपके पास एक और एग्जांपल गिवन है स्टार्स की, हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, 1, 2, 3 एंड 4। स्टूडेंट्स अब इसमें आपके पास जो है वो 5 जो ग्रुप ऑफ स्टार्स शो हो रहे हैं, और हर एक ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं वो 4 हैं। 5 आपके पास ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप के अंदर 4 आपके पास स्टार्स हैं। अब आपने 5 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास आंसर आएगा 20। मींस के 5 उसके ग्रुप्स थे, आपने 4 को उसे मल्टीप्लाई करवाया है। 4 मींस के जो हर एक ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ़ स्टार्स हैं वो आपके पास 4 हैं। आपने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप्स और ईच जो स्टार है आपके पास सारे ग्रुप में उसको मल्टीप्लाई करवाना है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट 20। व्हेन यू मल्टीप्लाई 3 नंबर्स बाय ग्रुपिंग देम इन एनी ऑर्डर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज द सेम। स्टूडेंट्स अब आप नेक्स्ट देखिए कि आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम इनका ग्रुपिंग चेंज करके भी इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम शो होगा। अब आप देखिए आपके पास एक ग्रुप जो है वो शो हो रहा है, उसके अंदर आपके पास 4 नंबर ऑफ़ स्टार्स हैं। देन सेकंड ग्रुप आपके पास शो हो रहा है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ़ स्टार्स 4 हैं। देन आपके पास थर्ड ग्रुप जो है वो शो हो रहा है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टार्स 4 हैं। देन 4 ग्रुप में भी आपके पास नंबर ऑफ़ स्टार्स जो हैं वो 4 हैं। देन आपके पास जो शो हो रहा है उसके अंदर भी नंबर ऑफ़ स्टार जो हैं वो 4 ही शो हो रहे हैं आपके पास। अब आप देखिए कि आपके पास 2 ग्रुप्स थे और उसके अंदर हर एक ग्रुप में 4 आपके पास जो हैं 4 स्टार्स हैं वो गिवन है। इसमें आपके पास 3 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप में आपके पास 4 स्टार्स हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स के 5 ग्रुप ऑफ 4 स्टार्स हैं, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 4 से, देन 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से, जैसे हम प्रीवियस मल्टीप्लीकेशन हमने परफॉर्म किया कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स और ईच स्टार जो है हर एक ग्रुप में उसकी मल्टीप्लीकेशन हुई है। इसी तरह से हमने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करवाएंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आंसर आएगा, देन आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 12 आंसर आएगा। अब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो आपके पास 20 आंसर आ रहा है। आपको ये जो एग्जांपल है वो ये शो कर रही है कि जब आप नंबर ऑफ स्टार्स हैं या उनकी ग्रुपिंग चेंज करके भी उनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाएंगे, एडिशन करेंगे, देन आपके पास 20 ही आंसर शो होगा, एज इट इज़ वही आंसर शो होगा। देन स्टूडेंट्स इसी तरह से आपके पास पे नंबर जो है 53 पे एक और एग्जाम्पल गिवन है, आपके पास एक नंबर ऑफ़ स्टार्स का एक ग्रुप शो हो रहा है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टार जो हैं वो 4 हैं।
देन स्टूडेंट्स एक और ग्रुप शो हो रहा है आपके पास, उसके अंदर भी नंबर ऑफ स्टार जो है वो 4 है। एक और आपके पास ग्रुप शो हो रहा है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ स्टार जो है वो 4 है। एक और ग्रुप आपके पास शो हो रहा है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ स्टार जो है वो 4 है। एक और आपके पास ग्रुप शो हो रहा है, उसके अंदर भी आपके पास नंबर ऑफ स्टार जो है वो 4 है। अब आप देखिए कि आपके पास जो है 1 ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब कि एक ग्रुप है स्टार्स का, उसके अंदर 4 स्टार्स हैं। देन जो आपके पास 4 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप के अंदर 4 स्टार्स हैं, 5 ग्रुप ऑफ 4 स्टार्स, मीन्स के टोटल हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप के अंदर 4 स्टार्स हैं। अब आप देखिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई करवाया 4 आंसर आया, देन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 16 आंसर आया। आपने इन वैल्यूज को ऐड किया तो आपके पास 20 आंसर आ गया। ये आपको ये चीज़ शो कर रहा है कि आप अगर इसकी ग्रुपिंग भी चेंज करके उसको मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करवाएं तो आपके पास जो आंसर है वो सेम ही रहेगा इस तरह से। दैट नो मैटर हाउ यू ग्रुप देम द नंबर ऑफ स्टार्स रिमेन्स द सेम। अगर नंबर ऑफ स्टार्स जो है वो आपके पास सेम रहते हैं, आप उनकी ग्रुपिंग को चेंज करके मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। दस रुपये इसी पेट पर एक और एग्जाम्पल आपके पास गिवन है। 6 जो है वो आपने 13 से मल्टीप्लाई करवाना है। इट्स मीन के जो 6 है आपके पास उसको जो है वो आप 6 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, देन आप ऐड कर रहे हैं 6 को मल्टीप्लाई करवा के 7 से। अब आप देखिए 13 को सबसे पहले आपने 7 से मल्टीप्लाई करवाया, फिर 13 को है जो वो 6 से मल्टीप्लाई करवाया आपने। अब आप साइड पर देखिए आपको शो ऑफ हो रहे हैं कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवा आपके पास 36 आंसर आता है। देन जो 6 को है वो आपने 7 से मल्टीप्लाई करवा आपके पास 42 आंसर आता है। देन आप इनको ऐड करते हैं तो आपके पास 78 आंसर आता है। स्टूडेंट्स अब आप देखिए 13 के ऊपर जो है वो मैंने एरोस प्लेस किए हुए हैं, वो ये है कि 6 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई हुआ है तो आपके पास 36 आंसर है। देन वो 6 आपके पास जो है वो 7 से भी मल्टीप्लाई आपके पास 42 आंसर है तो 78 आपके पास आंसर जो है वो शो हो रहा है। इसी तरह से अगर आप 6 को डायरेक्ट 13 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आपके पास आंसर 78 ही आ रहा है। अब आपने इसकी ग्रुपिंग इस तरह से करनी है कि आपके पास जो आंसर है वो 78 ही शो हो, कि आपने 6 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करवानी है 13 को। देन स्टूडेंट्स अब आप देखिए 7 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम 48 से तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट वो 336 आता है। अब इसकी ग्रुपिंग करनी है कि 7 को जो है हमने पहले 40 से मल्टीप्लाई करवाया 280 आंसर आ गया, देन ऐड किया है 7 को 8 से मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास 56 आंसर है। हमने इनको वैल्यूज को ऐड किया 336 हमारे पास आंसर आता है। सो हमारे पास जो 7 को मल्टीप्लाई किया था 48 से डायरेक्ट हमारे पास आंसर क्या आया था 336। तो हमारे पास इस तरह से जो आंसर है वो शो हो गया। द स्टूडेंट्स अब आपका होम टास्क जो है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रैक्टिस ऑन पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 1-2 डू ऑन बुक, ये आप लोगों ने बुक पे परफॉर्म करवाने हैं। क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों ने टाइमली जो है अपने स्कूल सेंड करना है, काम अपने टाइमली इसको डन करना है। जो आप लोगों का काम जो आप लोगों का होम टास्क मिलता है वो आप लोग टाइमली डन करके स्कूल सेंड करें ताकि आपका जो काम है वो चेक हो सके। आपने अपना काम नीट एंड क्लीन करना है और आप लोगों ने जो मार्जिन प्लेस करनी है, टॉपिक भी राइट करना है फुली और उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो रेडी करना है और आपकी राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ओके एंड ऑफ लेसन आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने इस लेसन को अंडरस्टैंड किया होगा, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके अल्लाह हाफिज़।